हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माइंड्स माइंड ट्यूटोरियल। सो वी स्टार्टेड विद द टॉपिक मेटाबॉलिज्म, जिसके अंदर हमने कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को स्टार्ट किया था। अभी भी हम कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में ही डील कर रहे हैं। उसमें कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का इंट्रोडक्शन, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्लाइकोसूरिया, ये सारी प्रोसेसेस हमने ऑलरेडी देख ली है। और आज सबसे पहले मैं यहाँ पर एक स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन आपको कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ये स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहले एक डायग्राम है, ज्यादा डिटेल में नहीं है वैसे ये, नॉर्मली आप चाहें तो इसको ड्रॉ कर सकते हैं और इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, क्योंकि जो साइकिल्स हमें कोर्स में रहती है जैसे ग्लाइकोजेनोलाइसिस हो गई, तो उसके लिए स्पेसिफिक साइकिल जो है आप वही ड्रॉ करेंगे तो वही मेन साइकिल होगी। तो ये जनरल वे में कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि एक्सप्लेन या फिर राइट दी फेट ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, या सॉरी एक्सप्लेन दी फेट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, सिर्फ इतना आता है, मेटाबॉलिज्म का नाम नहीं आता फिर उसमें। सो फेट ऑफ कार्बोहाइड्रेट को एक्सप्लेन करें तो उसमें अगर आप चाहे तो इस डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हो, वैसे इतना डिफिकल्ट नहीं है, अगर हम इसको समझेंगे तो हमें ये समझ में भी आएगा। देखिए यहाँ पर ये ग्लूकोज दिखाई दे रहा है आपको, ये सिस्टमिक ब्लड है, इधर लैक्टिक एसिड दिखाया गया है और ग्लूकोज जो है वो यहाँ पर ग्लाइकोजन से बन रहा है, तो इधर वो वाली प्रोसेसेस दिखाई गई है कि ग्लाइकोजन से ग्लूकोज भी बन जाता है, ग्लाइकोजन से फैट भी बन सकता है और फैट से ग्लाइकोजन भी बन सकता है, प्रोटीन से भी ग्लाइकोजन बन सकता है, फिर उसके बाद फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ग्लूकोज, ये सारे जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं वो भी ग्लाइकोजन को बना सकते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पर ये शो कर रहे हैं कि ग्लाइकोजन कितनी तरह से बन सकता है। इधर आपको लैक्टिक एसिड की तरफ से भी एरो आता हुआ दिखाई दे रहा है, फिर ये जो ग्लूकोज यहाँ बना है वो तो ग्लूकोज की तरह भी एक्ट करता है, यानी कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज की जरूरत होती है ताकि हमें एनर्जी मिल पाए, और ब्लड जो रहता है इस ग्लूकोज को हर बॉडी के पार्ट जो रहेगा, सेल जो रहेगा, टिश्यूज रहेंगे, उनके पास लेकर जाएगा ताकि हमारे बॉडी के जो पार्ट्स हैं उन ग्लूकोज की मदद से अपना वर्क परफॉर्म कर पाए। अब ये वाली बात यहाँ हो जाती है, इतना पोर्शन यहाँ पर हमने देख लिया। इसके बाद प्रोटीन के नीचे यहाँ पर एंटी कीटोजेनिक अमीनो एसिड्स लिखा है, यानी कि एंटी कीटोजेनिक अमीनो एसिड्स होंगे वही ग्लाइकोजन के अंदर बदल सकते हैं, इसका मतलब ये बताया जा रहा है। उसके बाद एंटीरियर पिट्यूटरी को प्लस से शो किया गया है यहाँ पर, और इंसुलिन को माइनस से शो किया गया, स्टेरॉइड्स को प्लस से शो किया गया, इस तरह से मतलब प्लस की तरह ये बताया गया कि एड होते हैं, और यहाँ पर इंसुलिन नहीं होता इस एरिया में, एड्रेनलिन रहता है। फिर ये ग्लूकोज यहाँ पहुंच गया। अब यहाँ पर लैक्टिक एसिड किस तरह से सिस्टमिक ब्लड में आ रहा है उसको भी अगर हम देखें तो जो मसल्स होती हैं हम लोगों में उसमें जो ग्लाइकोजन होता है वो पाइरूविक एसिड में चेंज हो सकता है इस तरह से। अभी मैं आपको जब ग्लाइकोलाइसिस की साइकिल पूरी बताऊंगी, आज हम लोग वैसे भी ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट कर रहे हैं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक होती ग्लाइकोलाइसिस और दूसरी होती क्रेब्स साइकिल, ये दोनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो हम इन दोनों को देखेंगे तो आज आपको ये वाली चीजें और क्लियर हो जाएगी कि पाइरूविक एसिड किधर से आया है। तो ये मसल्स हैं, उसके अंदर ये दोनों इंटरचेंजेबल दिखाई दे रहे हैं, ग्लाइकोजन और पाइरूविक एसिड, और ये दोनों मिलकर यहाँ पर क्या बना रहे हैं, CO2 प्लस H2O, और एसिड तैयार हो रहा है साथ में, वो एसिड कौन सा है, लैक्टिक एसिड है। लैक्टिक एसिड का नाम आपने पहले भी सुना होगा कि जब हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं, विग्रस एक्सरसाइज कर लेते हैं जो कि हम नॉर्मली नहीं करते, या कुछ ऐसे बॉडी मूवमेंट जो कि डेली, फॉर एग्जांपल हम वॉक पे, मान लीजिए घर पर तो हम चलते हैं लेकिन इतना ज्यादा वॉक पे नहीं जाते, और एकदम से हम किसी दिन पर्टिकुलर डे पे थोड़ा ज्यादा एक्सरसाइज कर ली, या वॉक पे चले गए, या कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर ली, जॉगिंग कर ली, रनिंग कर ली, कुछ भी हो सकता है, स्विमिंग कर ली, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, उसके बाद घर पर आके हमको ऐसा लगता है कि हमारी पूरी बॉडी में पेन महसूस होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि हमारी बॉडी में मसल क्रैम्स बन जाते हैं, और वो क्यों होते हैं, क्योंकि बॉडी में लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन हो जाता है जिस वजह से इंसान को दर्द होता है। तो ये थोड़ी सी प्रोसेस है, हालांकि मैं इसको डिटेल में बाद में आपको बताऊंगी। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो ग्लूकोज है इसको शो किया गया कि ये जो ग्लूकोज है ये कहाँ तक जा रहा है, फैट तक भी जा रहा है, और यहाँ इंसुलिन भी दिखाया गया है साथ में। उसके बाद यहाँ पर टिश्यूज दिखाए गए हैं, ऑक्सीडेशन टू CO2 प्लस H2O ये दिखाया गया है। तो अगर चाहो आप तो ये डायग्राम बना सकते हैं, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ अगर फेट ऑफ कार्बोहाइड्रेट कोई पूछ ले तब ये बना देना। तो आज जिस टॉपिक के साथ सबसे पहले मैं स्टार्टिंग कर रही हूँ, ग्लाइकोलाइसिस भी स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू फैट, कि जो ग्लूकोज होता है वो फैट के अंदर किस तरह से कन्वर्ट होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो एक दूसरा एक अलग ही फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म है ये भी, जिसमें एक्सेस ग्लूकोज जो होती है वो फैट में अगर ट्रांसफॉर्म हो जाती है, बदल जाती है, और वो क्यों होती है, ताकि ब्लड शुगर मेंटेन हो सके एक कांस्टेंट लेवल पे। अभी तक मैंने क्या पढ़ाया था कि जो भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज होगा, अगर वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज ग्लूकागॉन में, या सॉरी ग्लाइकोजन में, ग्लूकागॉन नहीं, आई एम सॉरी,
एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है और इस तरह से वो स्टोर्ड रहता है। लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशंस भी आती है बॉडी में जिसमें ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होने की बजाय फैट में कन्वर्ट हो जाता है। ये बात आपको यहाँ तक क्लियर हो गई होगी। सो इट इज अनदर फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म बाय विच द एक्सेस ग्लूकोज इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू फैट टू मेंटेन द ब्लड शुगर एट अ कांस्टेंट लेवल। अब जो यहाँ पर फैट प्रोड्यूस होता है ग्लूकोज से जो भी फैट यहाँ पर बनेगा वो लार्जली जिन जगहों पर स्टोर होता है वो होते हैं एडिपोज टिश्यूज। अब ये वाला जो ग्लूकोज टू फैट वाला ये हम पढ़ रहे हैं कन्वर्जन, इसके बाद ये जो फैट बनेगा एक्सेस या फिर न्यू फैट जो भी है वो कहाँ स्टोर होता है, एडिपोज टिश्यूज में स्टोर होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर बॉडी ऐसा कर क्यों रही है, जब ग्लूकोज को बॉडी ग्लाइकोजन के अंदर बदल सकती है तो ग्लूकोज से फैट में क्यों जा रही है, ये क्वेश्चन हमारे पास उठ जाता है। तो ऐसा इसलिए करती है जब जो हमारी बॉडी किसी भी अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि सबसे ज्यादा ग्लाइकोजन जहां पर बन सकता है वो कौन सी प्लेसेस थी, लिवर और मसल्स, वही स्टोर कर सकती है। और लिवर स्पेशल तौर पे सबसे अच्छा कर पाता है क्योंकि उसके पास एक एंजाइम था लास्ट में लिवर फॉस्फेटेज जो सिर्फ उसके पास ही होता है, बाकी और किसी के पास नहीं होता। तो यही प्रॉब्लम थी। लेकिन अब किसी इंसान में मान लीजिए ऐसा कुछ हो जाता है कि उसके लिवर और मसल्स इतने कैपेबल नहीं रह जाते हैं कि वो ग्लाइकोजन को स्टोर कर पाए। अब वो ग्लाइकोजन को स्टोर नहीं कर पाएंगे तो ग्लाइकोजन बन तो जाएगा लेकिन ग्लाइकोजन को कोई स्टोर नहीं कर पाएगा तो भी वो यूजफुल नहीं होगा। तो ऐसी सिचुएशन में बॉडी ग्लूकोज को फैट में बदलने लगती है। तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन कौन सी सिचुएशन में नहीं बन सकता, जब बॉडी के पास क्या प्रॉब्लम हो जाए, उसके लिवर और उसके मसल्स कांट स्टोर ग्लाइकोजन। तो आप लिखेंगे इफ लिवर एंड मसल्स कैन नॉट स्टोर ग्लाइकोजन देन ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इंटू फैट टू फैट्स। ये बात क्लियर हो गई यहां पर। तो बहुत इजी सा था, द फैट जो यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है द फैट सो प्रोड्यूस इज लार्जली स्टोर्ड इन एडिपोज टिश्यूज, फैट फॉर्मेशन बिगिंस व्हेन द लिवर एंड मसल्स बिकम इनकेपेबल ऑफ स्टोरिंग मोर ग्लाइकोजन। जब ज्यादा अमाउंट में वो ग्लाइकोजन स्टोर नहीं कर पा रहे लिवर और मसल्स तो ऐसी सिचुएशन में ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदलने की बजाय फैट में बदलने लगता है। और ये सबसे ज्यादा जो होता है जिस जगह पर वो होता है लिवर के अंदर, लिवर में ही ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा देखने को मिलती है जब वो स्टोर करना बंद कर देता है। तो ग्लूकोज जो यहाँ पर प्रोबेबली मेटाबोलाइज होती है वो एक टू कार्बन कंपाउंड में ट्रांसफर होती है, फिर उसके बाद उसका पॉलीमराइजेशन होता है जिससे कि वो एक लॉन्ग फैटी एसिड चेन में बदल जाती है। और जो ग्लिसरॉल होता है, अगर मैं ग्लिसरॉल की बात करूं तो वो रेडीली यहां पर फिर तैयार हो जाता है ग्लूकोज से और फिर वो कंबाइन करता है फैटी एसिड्स के साथ जिससे वो एक न्यूट्रल फैट बना लेता है। अभी मैं सब नोट भी करूंगी, अभी सिर्फ कहानी सुनिए। फिर वो एक न्यूट्रल फैट बना लेता है। तो इस तरह से ग्लूकोज फैट में बदल जाता है। अब जो कार्बोहाइड्रेट का कैटाबॉलिज्म होता है तो मैंने शुरू में ही बता दिया था, सबसे फर्स्ट लेक्चर जो था कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म से भी पहले का, यानी जब मैं मेटाबॉलिज्म बता रही थी तो मैंने बताया था कि एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म क्या होते हैं। कैटाबॉलिज्म में कुछ ना कुछ टूटता है और एनाबॉलिज्म में कुछ ना कुछ जुड़ता है, याद होगा आपको। तो देखिए मैंने यहां पर बताया था आपको कैटाबॉलिज्म में कुछ ना कुछ ब्रेक डाउन होगा और एनाबॉलिज्म में कुछ ना कुछ बिल्डिंग अप होगी यानी जुड़ेगा। तो एनाबॉलिज्म में जुड़ना, कैटाबॉलिज्म में टूटना, ये ग्रोथ फेज में बहुत यूजफुल होता है क्योंकि ग्रोथ फेज हो रही है, अगर कोई बच्चे से बड़ा बन रहा है तो उस स्टेज में उसको ग्रोथ करवानी है तो उसकी बॉडी में एनाबॉलिज्म ज्यादा होने लगता है। लेकिन अगर किसी इंसान में स्टार्वेशन कर रहा है वो, अगर उसको डिजीज हो गई है किसी तरह की या उसको सेनी सेंस हो गया ओल्ड एज के जो फैक्टर्स होते हैं ये प्रॉब्लम्स हो रही तो ऐसी सिचुएशन में कैटाबॉलिज्म ज्यादा होने लगता है। वैसे तो कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों साइमल्टेनियस होते हैं, किसी में एक्स्ट्रा की सिचुएशन बता रही हूँ कि कभी अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो इनमें से कोई एक एक्सीड होने लगता है। तो मैंने यहाँ पर अब शॉर्ट में लिख दिया है कि ग्लूकोज से फैट लिवर में कन्वर्ट होता है, ये ग्लूकोज से फैट बनने की प्रोसेस लिवर में आसानी से हो जाती है। होता क्या है, सबसे पहले जो ग्लूकोज है वो टू कार्बन कंपाउंड में चेंज हो जाता है, उसके बाद उसका पॉलीमराइजेशन होता है और जिससे कि वो एक लॉन्ग फैटी एसिड चेन बना लेता है। साथ में ग्लूकोज जो होता है ग्लिसरॉल में रेडीली कन्वर्ट हो जाता है, उसके बाद ये जो ग्लिसरॉल होता है और ये जो लॉन्ग फैटी एसिड चेन होती है तो ये दोनों मिलकर कंबाइन हो जाते हैं, ये और ये जो फैटी एसिड की चेन है ये दोनों आपस में मिलकर कंबाइन हो जाते हैं। तो मैं प्लस टाइप का साइन शो कर रही हूं और कंबाइन होकर ये जो चीज बनाते हैं उसको कहते हैं न्यूट्रल फैट्स।
किस तरह से बनते हैं न्यूट्रल फैट्स। तो ग्लूकोज से फैट बनने की प्रोसेस अब आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं बात कर रही थी कार्बोहाइड्रेट कैटाबॉलिज्म की। जो कार्बोहाइड्रेट का कैटाबॉलिज्म होता है, कार्बोहाइड्रेट का टूटना, ठीक है, ब्रेक डाउन होना, वो टिश्यूज के अंदर होता है और उसके अंदर दो मेजर स्टेजेस होती है। तो आपको अब यहाँ पर पढ़ना है कार्ब्स का कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म यानी ब्रेक डाउन होता है, इसलिए मैं बार बार नहीं कह रही हूँ, बस आपको अब समझ में आना चाहिए। कैटाबॉलिज्म यानी टूटना, एनाबॉलिज्म यानी जुड़ना। अब समझ में आ गया होगा। तो कार्बोहाइड्रेट्स का कैटाबॉलिज्म जो होता है वो टिश्यूज के अंदर होता है और उसकी दो स्टेजेस होती है। तो टिश्यूज के अंदर होता है और उसकी दो स्टेजेस होती है। अब मैं दो स्टेजेस आपको बता देती हूँ यहाँ पर। पहली स्टेज कहती है कि ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन एंड ग्लूकोज यानी कि शुगर्स इंटू पाइरूविक एसिड्स एंड लैक्टिक एसिड्स रिक्वायरिंग नो ऑक्सीजन एंड दिस इज कॉल्ड एनारोबिक स्टेज या फिर ग्लाइकोलिसिस। तो पहली वाली स्टेप कहती है ग्लाइकोजन और ग्लूकोज का यानी कि शुगर्स का, शुगर्स भी आ जाएंगे यहाँ पर, बदलना पाइरूविक एसिड में और लैक्टिक एसिड में, ठीक है, और इसमें नो ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, नो O2 रिक्वायर्ड, ठीक है। ये पहली स्टेज हो गई। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एनएरोबिक स्टेज, जिसको आप सिंपल शब्दों में ग्लाइकोलाइसिस कहते हो। अभी ग्लाइकोलाइसिस की पूरी जो चार्ट है वो तो मैं बताऊंगी, वो तो बिल्कुल डिटेल जब बीएससी एमएससी के स्टूडेंट्स हैं होते हैं, इलेवेंथ के स्टूडेंट्स होते हैं, इन सभी को बहुत डिटेल में आने लगता है। जब तक हम छोटे रहते हैं टेंथ क्लास तक, जब तक हमारे टीचर सिर्फ नॉर्मली हमें बस इतनी प्रोसेस बताते कि इसको कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस की डेफिनेशन तो हर कोई बता देता है, लेकिन वो कैसे होती है, उसको लर्न करने का क्या तरीका होता है, वो सब मैं आपको बताऊंगी। तो हमें आगे पढ़ते रहना है इसके लिए। तो ग्लाइकोजन ग्लूकोज यानी शुगर्स का पाइरूविक एसिड लैक्टिक एसिड में चेंज होना एक एनारोबिक स्टेज है और ग्लाइकोलिसिस है। और एनारोबिक क्यों कहा, क्योंकि हमें यहाँ पर ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ी। अगर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है तो उसको एरोबिक कहने लगते हैं, ठीक है। तो ये तो पहली स्टेज हो गई यहाँ पर। तो अब हम लोग देख रहे हैं दूसरी वाली स्टेज। दूसरी स्टेज में क्या होता है, पाइरूविक एसिड का, ये जो पाइरूविक एसिड है इसी का, पाइरूविक एसिड की बात कर रहे हैं, इसका होता है ऑक्सीडेशन। क्या होता है इसका, ऑक्सीडेशन होता है, कहीं ना कहीं इसका ऑक्सीजन का एडिशन होता है। और ये जो पाइरूविक एसिड का ऑक्सीडेशन होता है वो सिट्रिक एसिड साइकिल में होता है या फिर क्रेब्स साइकिल में होता है, जिसकी वजह से जो चीज बनती है वो होती है CO2 एंड H2O। तो ये साइकिल कौन सी होगी, क्रेब्स साइकिल या फिर सिट्रिक एसिड साइकिल। मैं जितना इजी कर सकती हूँ ना, एक एक चीज को इजी करके बता रही हूँ आपको, पढ़ते रहना। और कुछ स्टूडेंट्स का ऐसा कमेंट आया था कि हम लोग बहुत फास्ट जा रहे हैं, हालांकि हम लोग इतना ऑलरेडी स्लो जा रहे हैं और अब आप इतने बड़े हो चुके हैं कि अगर हम लोग जल्दी फास्ट नहीं पढ़ेंगे इसको तो कोर्स बहुत ज्यादा होता है। तो अगर ऐसी सिचुएशन आ रही है कि मान लीजिए आपको लग रहा है कि मैं बहुत ज्यादा फास्ट पढ़ा रही हूँ और आप इजीली उसको ग्रास्प नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको मैं यहाँ एक टिप देती हूँ। आप ऊपर आपकी वीडियो के ऊपर 3 डॉट्स देख रहे होंगे, उन 3 डॉट्स में आप देखोगे तो वहाँ एक स्पीड की सेटिंग होती है, और स्पीड की सेटिंग में आप ऊपर वाला जो सेटिंग होती है यानी स्लो वाली, स्लो वर्जन में लगा लेंगे। तो हालांकि मेरी आवाज़ फिर बहुत स्लो सुनाई देगी आपको, लेकिन फिर भी आप उसको इजीली समझ पाएंगे कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। और अगर किसी को लगता है मैं ऑलरेडी बहुत स्लो पढ़ा रही हूँ तो वो अपनी स्पीड बढ़ा के पढ़ाई करें, क्योंकि जब हम लोग ऑलरेडी ये वाली क्लासेस में पढ़ाई करते थे बीएससी एमएससी टाइम पर, जब हम लोगों को ये चीज़ें कोर्स में हुआ करती थी तो हम 2 टाइम स्पीड पर पढ़ते थे, जो नॉर्मल स्पीड होती है टीचर्स की उसको भी बढ़ाकर पढ़ाई करते थे अगर पढ़ना होता था तो उस टाइम पर। तो उससे ये आसानी हो जाती है इंसान को कि वो आसानी से जल्दी भी पढ़ सकता है और स्लो भी कर सकता है। तो जब यूट्यूब ने हमें वो ऑप्शन प्रोवाइड किया है तो हम उसको क्यों ना यूज करें। तो जिन्हें लग रहा है कि स्लो होना चाहिए तो वो अपनी ऑटोमेटिक वाली सेटिंग्स को चेंज करके, जो नॉर्मल सेटिंग है उसको चेंज करके स्लो बना लेंगे और फिर उसको पढ़ते जाएंगे। सो बैक टू द टॉपिक, इस वाली स्टेज में या इस वाली प्रोसेस में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है थोड़ी कुछ हद तक होती है। तो ये एक प्रोसेस हो गई दूसरी वाली। और ये जो स्टेज होती है इसमें ऑक्सीजन की कभी कभी जरूरत पड़ती है, तो इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ऑक्सीडेटिव फेज इसको कहते हैं ऑक्सीडेटिव फेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट कैटाबॉलिज्म। तो ये ऑक्सीडेटिव फेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म होगी और ये एनारोबिक स्टेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट कैटाबॉलिज्म होगी। ये दोनों चीजें आपको यहाँ पर क्लियरली समझ में आ गई होगी। तो आप लिखेंगे, अगर लिखना चाहते हो तो, कार्बोहाइड्रेट कैटाबॉलिज्म इन द टिश्यूज अकर इन 2 मेजर स्टेजेस। फर्स्ट द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन एंड ग्लूकोज दैट इज शुगर्स इंटू पाइरूविक एंड लैक्टिक एसिड्स रिक्वायरिंग नो ऑक्सीजन, दिस इज कॉल्ड एनारोबिक स्टेज और ग्लाइकोलिसिस। सेकेंड,
द ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड इन द सिट्रिक एसिड साइकिल और क्रेब साइकिल एज अ रिजल्ट CO2 एंड H2O आर प्रोड्यूस्ड दिस स्टेज रिक्वायर्स ऑक्सीजन एज सच समटाइम्स इट इज ऑल्सो रिफर्ड टू एज ऑक्सीडेटिव फेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट कैटाबॉलिज्म. सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद ग्लाइकोलिसिस इन डिटेल. अब हम लोग ग्लाइकोलिसिस को डिटेल में देखते हुए जाएंगे. तो ये साइकिल कैसी होती है वो आप देखोगे. तो मैं यहाँ पर ग्लाइकोलिसिस तो पहले लिख देती हूँ थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन देकर, फिर सीधे हम लोग इसका चार्ट देखेंगे. तो सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस होता क्या है, अगर शुरू में हम लोग सिर्फ इतनी सी बात करें, अगर नॉर्मल सिर्फ एक स्टेप में मैं आपको बताऊं तो ग्लूकोज का दो पायरुविक एसिड के अंदर बदलना, ग्लूकोज का दो पायरुविक एसिड के अंदर बदलना इज नोन एज ग्लाइकोलिसिस. और ये ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस होती कहाँ पर है, तो ये होती है साइटोप्लाज्म के अंदर. मैं सारी चीजें बताऊंगी, साइकिल भी अभी दिखाऊंगी, अभी सिर्फ शुरू में थोड़ा सा इंट्रो दे रहे हैं हम लोग इसको. सो हो क्या रहा है, पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इनटू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड इज नोन एज ग्लाइकोलिसिस एंड दिस प्रोसेस अकर्स इन साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल. अच्छा, कुछ टीचर्स आपको पायरुविक एसिड की जगह पायरुवेट भी बताएंगे, तो वो भी गलत नहीं है. तो उसमें आप कंफ्यूज ना हो कि ये कुछ अलग बात हो रही है, एक ही बात. तो आपके सामने मैंने यहाँ पर साइकिल को एडजस्ट कर दिया है, आप इस साइकिल को बनाएंगे. लेकिन उससे पहले हम लोग एक एक चीज समझते हुए जा रहे हैं यहाँ से, ये सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन है जो कि ग्लाइकोलिसिस में होते हैं. अब अगर आप नीट स्टूडेंट हैं या फिर CSIR नेट के लिए सिर्फ इस तरह के किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, और डिटेल में आप एग्जाम्स में पूरा, मैं वो भी बताऊंगी कि अगर एग्जाम में पूरा क्वेश्चन आंसर थ्योरी के फॉर्म में लिखने के फॉर्मेट में क्वेश्चन आ जाए तो हमें कैसे करना है, हम वो भी देखेंगे. लेकिन अगर सिर्फ अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए देख रहे हो तो आपको एक चीज याद रखनी है, यहाँ पर एक कोड होता है जिसको कहते हैं G2F2T3P3. यानी क्या, जी इसमें दो बार आएगा, देखिए इस तरह से देखिए आप. पर प्रॉब्लम क्या है कि ये वाली जो टेबल होती है या ये वाली जो साइकिल बुक में दी हुई होती है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है लर्न करने के लिए, क्योंकि जहां पर हम लोग हमेशा से ये पढ़ते आ रहे हैं कि ग्लूकोज से स्टार्टिंग करनी, तो वो वहां पर ग्लाइकोजन भी शो कर देते हैं, जिससे कई बार स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन हो जाता है कि ग्लाइकोजन कहां से आ गया और इस ग्लूकोज 1-फॉस्फेट को वो ग्लूकोज क्यों ना पड़े. तो इस तरह की चीजों की वजह से थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होता है. लेकिन यहां पर फिर भी मैंने आपको एक बार बुकिश वे में जिस तरह से चार्ट बना होना चाहिए वो आपको शो कर दिया. अब हम लोग खुद हमारी टेबल को ड्रॉ करेंगे और फिर उसको लर्न करते हुए जाएंगे. तो ये भी बिल्कुल सही है, कुछ भी गड़बड़ नहीं है इसमें, लेकिन ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है. सो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग ऐसी चीज को अगर नॉर्मल वे में भी पढ़ सकते हैं और इजियर वे में भी पढ़ सकते हैं, मार्क्स भी पूरे मिलेंगे, तो फिर क्यों नहीं हम उसको ईजी वे में पढ़ें. ये अगर चाहें तो आप बना सकते हैं. अब मैं अपनी कॉपी में आपको नोट करके बना के बताऊंगी. तो अब हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. मैं यहाँ पर टेबल पहले ड्रॉ कर देती हूँ, जितना शॉर्ट में होगा ना उतना शॉर्ट करें आप. कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पूरे बड़े से पेज के अंदर उसको बैठ कर बनाते हैं साइकिल को, इस वजह से उनको देखकर ही डर लग जाता है कि इतनी बड़ी तो हमें याद नहीं होगी. जितना होना उसको कॉम्प्रेस करके पढ़ाई करें. तो ग्लूकोज है, ग्लूकोज के बाद जो चीज बनती है सबसे पहले होती है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट. ये चीज का ध्यान रखना कि कहाँ कॉमा लगाना है और कहाँ डैश लगाना है. तो देखिए, नंबर और अल्फाबेट के बीच में मैं डैश लगाऊंगी, और जहां पर मुझे ऐसा लगेगा कि दो नंबर्स आ गए तो दो नंबर्स के बीच में डैश नहीं होगा, वहां कॉमा आ जाएगा. आप समझते जाएंगे एक एक चीज होती जा रही है. ग्लूकोज से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, उसके बाद दूसरी स्टेप याद रखना फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट. अभी याद वैसे भी नहीं होने वाला, हम लोग अभी उसकी डे ट्रिक देखने वाले हैं, और ट्रिक के बाद सारी चीजें इजी याद हो जाएंगी आपके लिए. तो सबसे पहले G2F2T3P3 जो कोड है उसको याद करने के, जी 2 बार देखना है, तो 2 बार ग्लूकोज का जी दिखाई दे रहा है. एफ भी 2 बार आएगा, यानी फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट और फ्रक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट आ गया. टी 3 बार दिखाई देगा, तो देखिए ट्रायोज फॉस्फेट, ट्रायोज बिस फॉस्फेट एंड ट्रायोज फॉस्फेट, अभी समझेंगे इसको. और लास्ट में पी 3 बार आना चाहिए, तो देखिए 2-फॉस्फोग्लिसरेट, फॉस्फो इनॉल पायरुवेट और पायरुविक एसिड. अब हम लोग इसको समझते हैं कि इसमें ये G2F2T3P3 इन सारी चीजों को कैसे याद करें. तो सबसे पहले तो ये याद कर लेना कि कोड इतना है G2F2T3P3, G2F2T3P3, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं याद करना है. अब समझना आगे कि ग्लूकोज जो है वो सिंपल ग्लूकोज से स्टार्टिंग करनी, क्योंकि हमने जब यहाँ पे शुरू में ग्लाइकोलिसिस की डेफिनेशन देखी थी तो ग्लूकोज से शुरू करना और पायरुविक एसिड पे एंड करना है, तो वो दोनों चीजें तो एज इट इज आ गई. अब उसके बाद ग्लूकोज से बनता है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, ये पहली स्टेप तो हमें याद करना होती है. तो ग्लू 6, फ्रक 6 और फ्रक 1-6, ऐसे करके याद रखोगे आप इसको, तो इससे आपको याद होगा. सबसे पहले ग्लूकोज के बाद एक इनिशियल तो याद करना होगा ग्लूकोज 6-फॉस्फेट. उसी तरह से हमारी साइकिल कहती है 2 बार जी आ जाए तो एफ पे आ जाना है, तो 2 जी आने के बाद एफ पे अगर हम आते हैं तो क्या हो जाएगा, फ्रक्टोज तो हो जाएगा, लेकिन फिर यहां से एज इट इज उतार लेना. तो फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट से क्या बन गया, फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट बन गया. इतना तो याद हो गया.
उसके बाद फिर से एक और एफ आना चाहिए, तो एफ लगाना है तो फ्रक्टोज तो फिर से आएगा, लेकिन अब ऊपर वाले से इसको डिफरेंट बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इस सिक्स के पीछे एक वन और ऐड कर देंगे, सिर्फ एक वन ऐड करना है, उससे ज्यादा कुछ याद नहीं करना है। तो क्या हो जाएगा, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, ये इस तरह से नाम बन गया। तो यानी कि G2F2 तक तो हम याद कर लिया। कैसे याद करा, सबसे पहले था ग्लूकोज, ग्लूकोज से बनाना है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ये पहला आपको याद करना होगा, इसको आप बार बार पढ़ेंगे तो याद होगा, ग्लूकोज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। उसके बाद F तो फ्रक्टोज, उसके बाद एज इट इज ये पूरा उतार दिया नीचे, उसके बाद फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। उसके बाद क्या हो गया, यहाँ पर ट्रायोज फॉस्फेट बनाना है T3 की जगह, जिसको G3P भी कहते हैं, जिसको 3-फॉस्फोग्लिसरलडिहाइड कहते हैं, वैसे 3-फॉस्फोग्लिसरलडिहाइड, तो उसको ट्रायोज फॉस्फेट भी आप याद कर सकते हो। उसके बाद दूसरा T3 आ जाएगा तो ट्रायोज, लेकिन अब फिर चेंज करना ऊपर वाले से तो बिसफॉस्फेट हो जाएगा, लेकिन अब ऊपर वाले की तरह ट्रायोज फॉस्फेट यहाँ भी आ जाएगा। ये ट्रायोज फॉस्फेट थोड़ा सा इस ऊपर वाले से डिफरेंट होता है, वो मैं बताऊंगी कैसे होगा, अभी मैं जब नंबरिंग इसके पीछे लगाऊंगी तो सारी चीजें क्लियर होने लगेगी। तो 3 T तो आपको ऐसे याद रखना है, ट्रायोज फॉस्फेट जो कि G3P कहलाता है, उसके बाद इसको चेंज करने के लिए ट्रायोज बिस फॉस्फेट और वापस से फिर ट्रायोज फॉस्फेट, इतना हमें याद हो गया। उसके बाद हमारी लास्ट पेज कहती है P3, तो P3 के लिए कौन आ जाएगा, फॉस्फोग्लिसरेट, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट और पाइरुविक एसिड। अब जब ये तीन यहां तक पूरे हो जाते हैं, उसके बाद ये जो तीन वाले P है इनको याद करने के लिए आपको एक चीज और याद रखनी है, इसको इन तीन के लिए कह रही हूं, टू रेट वेट पा, टू रेट वेट पा, याद करने की ट्रिक है, अब समझिए इसको, कैसे समझना है इसको, टू और उसके बाद ये जो रेट मैंने लिखा है इसलिए लिखा है 2-फॉस्फोग्लिसरेट, इसलिए आपको याद हो जाए। फिर उसके बाद यहां पर वेट है तो वेट का मतलब फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट और पा का मतलब है पाइरुविक एसिड। और जैसा कि कोड में बताया था कि P3 होना चाहिए, तो P3 है तो यानी कि पहला वाला तो फॉस्फो से शुरू होगा, यानी P से शुरू होगा तो हो जाएगा फॉस्फोग्लिसरेट। तो मैंने यहाँ 2 रेट क्यों लिखा, ताकि आप याद रख सको 2-फॉस्फोग्लिसरेट, ये 2 इसलिए ताकि यहाँ पर आप 2 यूज करें, 2-फॉस्फोग्लिसरेट। अब आगे की चीज समझिए, अब क्या हो रहा है, यहां पर मैंने एक वर्ड यूज करा है ट्रायोज बिसफॉस्फेट, जहां पर भी बाय वर्ड आता है तो बाय का क्या मतलब होता है 2, तो जहां पर भी बाय वर्ड आया वहां से आप क्या करोगे, हर जगह 2 को मल्टीप्लाई करोगे, यहां 2 आया वहां से आप 2 को मल्टीप्लाई करोगे, सब में ये मल्टीप्लाई हुआ इस तरीके से। और ये तो यहाँ पर लास्ट में मैंने कर ही दिया था, क्योंकि मैंने शुरू में बता दिया था 2-पाइरुविक एसिड बनना है। अब क्या होता है, जो ये ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस होती है 10-स्टेप प्रोसेस होती है, कितने स्टेप की, 10-स्टेप की प्रोसेस होती है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले नंबरिंग स्टार्ट करनी है, नंबरिंग कैसे करेंगे, इनसे इनके बीच में 1, यहाँ 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 इस कन्वर्जन पे, और यहाँ पर मैंने कन्वर्जन और लिखा है ट्रायोज फॉस्फेट के बाद, यहाँ पर बन रहा है ट्रायोज फॉस्फेट फिर से, और यहाँ पर DHAP लिखा है, अभी एक्सप्लेन करूंगी, बहुत शायद शॉर्ट हो गया है, या जूम करके बता देती हूँ। तो देखिए कुछ इस तरह से दिख रहा है ट्रायोज फॉस्फेट DHAP, ऐसे आप याद रखेंगे इसको, एक सेकेंड थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर दें प्रॉपर, फाइन। तो ये 4 और यहाँ पर आप 5-स्टेप लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर 6-7-8-9 और यहाँ पर 10, इतनी प्रोसेस हो जाएगी। यहाँ पर एक चीज और याद रखना, सारे एरोज जो हो रहे हैं बस दो जगहों पर आपको रिवर्सिबल वाले शो करने हैं, कहाँ पर, एक तो यहाँ ये इस जगह पर, यहाँ पर मैंने प्रॉपर नहीं बनाया था, आप प्रॉपर करेंगे, यहाँ पर और एक यहाँ पर, ये वाला एरो यहाँ पर और यहाँ पर दो जगहों पर आता है, ये वाला एरो है, ठीक है, ये जो एरो होता है वो एक यहाँ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर होता है, और दूसरा होता है इस ट्रायोज फॉस्फेट से इस ट्रायोज फॉस्फेट जो कि DHAP है, उसके कन्वर्जन के टाइम पर देखना होता है। और ये G3P को आप ग्लिसरलडिहाइड 3-फॉस्फेट भी कह सकते हो, तो जो ग्लिसरलडिहाइड 3-फॉस्फेट है यानी ट्रायोज फॉस्फेट है, वो आइसोमराइजेशन की प्रोसेस है, इस एरो के ऊपर आप समझ सकते हो आइसोमराइजेशन होगा, उससे वो बना लेता है ट्रायोज फॉस्फेट, जिसको आप DHAP भी कहते हो। और DHAP क्या होता है, DHAP डाय हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तो यहां जो प्रोसेस हो रही है G3P यानी ग्लिसरेट 3-फॉस्फेट वाली प्रोसेस से, जो DHAP यहां पर बन रहा है वो आइसोमराइजेशन से बनता है। सो G3P ग्लिसरलडिहाइड 3-फॉस्फेट DHAP बनाता है डायहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और वो भी कैसे, आइसोमराइजेशन से बनाता है। अब इतनी बात करने के बाद आगे बात करते हैं,
कि जो ये प्रोसेस, ये जो DHAP है, DHAP की रिक्वायरमेंट नहीं होती ग्लाइकोलिसिस में, सिर्फ G3 भी होती है, सिर्फ आपको एक्स्ट्रा नॉलेज हो जाए इसलिए हमने इतनी बात यहाँ पर की है। अब आपको क्या याद रखना है कि जो फर्स्ट स्टेप और थर्ड स्टेप होती है यहाँ पर ATP यूटिलाइज होता है। ATP यूटिलाइज होने का क्या मतलब होता है कि वहां पर ATP से ADP बनता है, इसको कहते हैं ATP का यूटिलाइज होना। तो फर्स्ट स्टेप पे यहाँ स्टेप से याद रखना है, फर्स्ट स्टेप और थर्ड स्टेप में ATP से क्या बन रहा है, ADP बन रहा है, यानी ATP यूटिलाइज हो रहा है। और थर्ड स्टेप पे यहाँ पर आ जाएंगे तो ATP और यहाँ पर भी उससे बन जाएगा ADP। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होती है कि सेवन्थ और टेंथ स्टेप पे ATP रिलीज होगा। अभी ATP यूटिलाइज करवाया आपने, और ATP यूटिलाइज करवाने का क्या मतलब था, आपने ATP से क्या बनवा दिया, ADP को बनवा दिया। अब ATP रिलीज होगा सेवन्थ और टेंथ स्टेप पे, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका ठीक उल्टा हो जाएगा, यानी ADP से ATP का बनना, इसको कहते हैं ATP का रिलीज होना। तो सेवन्थ और टेंथ प्रोसेस कहाँ दिखाई दे रही है हमें, एक तो यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, इसका ठीक उल्टा कर देंगे। तो यहाँ सेवन्थ वाली प्रोसेस के सामने आप क्या लिखोगे, और इस टेंथ वाली प्रोसेस के सामने आप लिखोगे ADP से ATP का बनना। उसी तरह यहाँ पर भी टेंथ के पीछे भी आ जाएगा ADP से ATP का बनना। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो सिक्स स्टेप है, वहां पर NADH प्लस लिखा है, तो आप यहाँ लिखेंगे NAD, तो इसको यहाँ हम लोग कट करेंगे NAD। NAD पॉजिटिव से NADH प्लस प्लस H प्लस बनेगा, और वो कहाँ बनेगा, यहाँ सिक्स स्टेप पे। तो मैं यहाँ पर लिख नहीं रही हूँ लेकिन आपको समझ आना चाहिए। और नाइन्थ स्टेप जो होती है यहाँ पर, वहां पर H2O को रिलीज करवाना है, यानी वहां से H2O बाहर जाएगा। तो H2O को रिलीज करवाने के लिए आप क्या करोगे, तो आप सिंपली वहां पर लिख सकते हो -H2O, तो उससे वहां पर रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ हम लोगों को ऐसे याद रखना है। अब बात करते हैं एंजाइम्स को लर्न करने के लिए। तो एंजाइम्स को लर्न करने के लिए मैं वहाँ वॉश पॉश बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो हम लोग इस तरह समझेंगे इसको। इतनी बात याद रखना है कि एंजाइम में काइनेज नाम का एंजाइम ही रिएक्शन को शुरू करवाएगा, और एंडिंग भी काइनेज नाम का एंजाइम ही करवाएगा। तो सबसे शुरू में हमारी स्टेप क्या कहती थी, G2, कोड याद होगा आपको, G2F2T3P3, G2F2T3P3। अब मैं पूरे नाम नहीं लिख रही हूँ क्योंकि आपको पता है कौन से नाम है, तो दो जी लिख लिए। तो इन दो जी के बीच में जो एंजाइम आ जाता है, इन दो के बीच में, तो काइनेज तो आएगा क्योंकि काइनेज करेगा, लेकिन मैंने शुरू में बताया था ग्लूकोज से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट वहां पर बनता है। तो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट अगर बन रहा है, तो 6 का क्या मतलब होता है, हेक्सो, तो हेक्सोकाइनेज। तो पहला जो यहाँ पर वर्ड यूज करोगे आप एंजाइम का, वो हो जाएगा हेक्सोकाइनेज। और उसके बाद पूरे हम लोग पहले लिख लेते हैं यहाँ पर GG, फिर उसके बाद F F T T T P P और P, ये सारे विजिबल होंगे। उसके बाद यहाँ पर लास्ट स्टेप के उधर यहाँ पर भी एक काइनेज आना चाहिए, जो मैंने शुरू में बता दिया, काइनेज शुरू में, बिगनिंग में और एंडिंग में दोनों में दिखाई देगा। तो यहाँ जो काइनेज होगा, क्योंकि एंड में क्या बनता है, पाइरुविक एसिड बनता है, तो पाइरुविक एसिड बनाना है, तो आप लिख लेंगे पाइरुवेट काइनेज। अब एंजाइम्स को लर्न करने के लिए इतना तो लर्न हो गया कि आसपास तो काइनेज आना है, ये काइनेज आया और ये काइनेज आया। उसके बाद याद करने के लिए आपको क्या करना है, फॉस्फोफॉस्फोएल्डो TG फॉस्फोफॉस्फोएंडो, सिंपल है। काइनेज एंड में लगा दिया, फिर क्या करा, टोटल एंजाइम्स कितने हो रहे, अच्छा देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, 10 एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, 10 एंजाइम्स। अब 10 एंजाइम्स को कैसे डिवाइड करना है वो समझना है। काइनेज वाले तो हो गए, एक हुए हेक्सोकाइनेज और एक हो गया पाइरुवेट काइनेज। उसके बाद क्या कहती है ट्रिक, फॉस्फोफॉस्फोएल्डो TG फॉस्फोफॉस्फोएंडो। तो अब इसको पहले तो डिवाइड करते हैं, फिर उसको ओरिजिनल नाम भी आ जाएगा। तो सबसे पहले हेक्सोकाइनेज तो यहाँ पर आ गया, उसके बाद इन दोनों के बीच में यहाँ पर कुछ फॉस्फो से रिलेटेड आएगा, तो यहाँ फॉस्फो लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पर इस स्टेज पर फॉस्फो फिर से आ जाएगा, फॉस्फो। उसके बाद यहाँ F और T के बीच में जो आ जाएगा वो यहाँ पर आ जाएगा एल्डो। उसके बाद आगे बात कर, अब देखिए मैंने क्या करा है, सिंपल पहले ये याद हो गया काइनेज आसपास, फिर फॉस्फोफॉस्फोएल्डो TG फॉस्फोफॉस्फोएंडो। अब देखो यहाँ पर काइनेज वाला आ गया, इसके बीच में डाल दिया फॉस्फो,
यहाँ भी डाल दिया फॉस्फो, फिर यहाँ डाल दिया एल्डो, फिर कहता है टीजी, तो टीजी का टी किधर जाएगा, पहले जी थ्री पी और धप के बीच में, धप से याद रखना, डीएचएपी को धप करके याद करेंगे तो याद हो जाएगा, तो जी थ्री पी से यहाँ डीएचएपी के बीच में कौन आ जाएगा, टी आ जाएगा, उसके बाद जी आएगा तो जी को लिख दिया, नेक्स्ट स्टेप पे जी, सिर्फ एक टी उधर जा रहा है, उसके बाद जी इधर आ जाएगा, फिर उसके बाद फॉस्फो फॉस्फो एंडो, तो ये देखो फॉस्फो, इन दोनों के बीच में फॉस्फो और इन दोनों के बीच में एंडो, और लास्ट में तो पाइरूवेट काइनेज है ही। अब पहले फॉस्फो का मतलब होता है फॉस्फो ग्लूको आइसोमरेज, दूसरा होता है फॉस्फो फ्रक्टो काइनेज, अल्डो का मतलब होता है अल्डोलेज, जी का मतलब होता है, तो ये जो जी है, एक सेकेंड सॉरी, पहले टी आना चाहिए, तो टी का मतलब होता है ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज, तो आप यहां पर, वैसे मैंने सिर्फ टी लिख दिया तो आप पूरा ही लिखेंगे ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज, इस टी का मतलब यहां आ गया। उसके बाद जी, तो जी का मतलब क्या होगा, ग्लिसरल डिहाइड थ्री फॉस्फेट आइसोमरेज, ग्लिसरल डिहाइड थ्री फॉस्फेट आइसोमरेज, फिर यहां आ जाता है फॉस्फो ग्लिसरेट काइनेस, उसके बाद आ जाता है फॉस्फो ग्लिसरो, एक सेकेंड, फॉस्फो ग्लिसरो म्यूटेस, उसके बाद आ जाता है एंडो को आप याद रखोगे इनोलेस से, मैंने एंडो लिखा लेकिन आप याद कैसे रखोगे, इनोलेस से, तो ये एंडो तो है लेकिन इसको याद कर लो, और बल्कि एल्डो की जगह हम लोग इनो भी तो लिख सकते थे, ये ज्यादा अच्छा बनता, तो मैं यहाँ एंडो की जगह इनो बना देती हूँ, इनो, तो ये बन जाएगा इनोलेस, और लास्ट में हो जाएगा पाइरूवेट काइनेज। तो अब हमारे चार्ट पे रिविजन करते हैं तो उससे जल्दी याद हो जाएगा। सबसे पहले स्टेप क्या कहती है, ग्लूकोज से ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट बन रहा है, और लास्ट स्टेप कहती है फॉस्फोइनोल पाइरूवेट से पाइरूविक एसिड बन रहा है, शुरू और आखिर में क्या लेना है, काइनेज लेना है, यानी कि ग्लूकोज से ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट में जो एंजाइम रहेगा वो कौन सा था, हेक्सो, सिक्स के लिए हेक्सो और काइनेज, और लास्ट में जो एंजाइम था इन दोनों के बीच में वो कौन सा था, वो पाइरूविक एसिड बना रहा था या पाइरूवेट यहां पर भी था, तो हम बना लेंगे पाइरूवेट काइनेज। उसके बाद जब हमारी ये स्टेप की बात करते हैं, यानी ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट से फ्रक्टोज सिक्स फॉस्फेट का बनना, तो उस स्टेज में हम क्या याद करेंगे, इस फॉस्फो का वर्ड याद करेंगे, क्योंकि हमने बात की थी पी आना चाहिए, फॉस्फो फॉस्फो था, फॉस्फो फॉस्फो दिखाई नहीं दे रहा होगा सॉरी, चलो फॉस्फो फॉस्फो था, तो ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट से फ्रक्टोज सिक्स फॉस्फेट के बीच में एक फॉस्फो वर्ड आना है, तो फॉस्फो इससे भी याद करोगे फॉस्फो, उसके बाद ग्लूकोज फॉस्फो ग्लूकोज, और यहां पर क्या हो रहा है, आइसोमराइजेशन हो रहा है, क्योंकि ग्लूकोज और फ्रक्टोज एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं, तो फॉस्फो उसके बाद ग्लूकोज आइसोमरेज, फॉस्फो ग्लूकोज आइसोमरेज, इन दोनों के बीच में कौन आता है, इन दोनों के बीच में फॉस्फो ग्लूकोज आइसोमरेज, उसके बाद फ्रक्टोज सिक्स फॉस्फेट से फ्रक्टोज वन सिक्स बायफॉस्फेट बन रहा है, फ्रक्टोज से फ्रक्टोज ही बन रहा है, तो आइसोमरेज तो अब नहीं आ सकता क्योंकि आइसोमर्स तो हमने ऊपर बना दिए, तो फ्रक्टोज से फ्रक्टोज के बीच में कौन सा एंजाइम आ जाएगा, फॉस्फो फ्रक्टो, लेकिन अब आ जाएगा काइनेज, तो फॉस्फो फ्रक्टो काइनेज, तो इन दोनों के बीच में कौन था, फॉस्फो फ्रक्टो काइनेज था। उसके बाद हमारा वर्ड आता है एल्डो, तो इन दोनों के बीच में यानी फ्रक्टोज 1,6 बाय फॉस्फेट और ट्रायोज फॉस्फेट के बीच में आता है एल्डोलेज, तो यहाँ पर आपको एल्डोलेज से बड़ा इजी सा नाम है तो याद हो जाएगा, यहाँ तो एल्डोलेज हो गया। फिर उसके बाद हमने बात की थी टी और जी की, तो टी जी में से टी इस तरफ आता है ट्रायोज फॉस्फेट यानी जी थ्री पी से डीएचएपी के बनने में यानी धप के बनने में टी आएगा, तो टी का मतलब क्या होता है, क्योंकि हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, ट्रायोज पढ़ रहे हैं, तो यहाँ कि टी से रिलेटेड आएगा, और मैंने शुरू में बता दिया था कि यहाँ पर भी एक आइसोमराइजेशन होता है इस जी थ्री पी से डीएचएपी के अंदर, तो कौन सा एंजाइम आ जाएगा इन दोनों के बीच में, जी थ्री पी और डीएचएपी के बीच में, तो एंजाइम का नाम होगा ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज, ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज, ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज, ये एंजाइम आएगा इसके बीच में। उसके बाद अगली स्टेप देखते हैं, तो अगली स्टेप में हम कहते हैं कि टी के बाद कौन आता है, जी आता है, यानी कि ट्रायोज फॉस्फेट से यानी जी थ्री बी से अब आपको फिर से बनाना है ट्रायोज बिस फॉस्फेट को, तो इनके बीच में तो जो चीजें आएगी वो कैसे आएगी, जी थ्री पी से याद करना है, वो होती है इन दोनों के बीच में ग्लिसरल डिहाइड थ्री फॉस्फेट आइसोमरेज, क्या करना है, जी थ्री पी से यहां जाना है, क्या होगा यहाँ पर, ग्लिसरल डिहाइड थ्री फॉस्फेट आइसोमरेज ये आ जाएगा,
फिर उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखेंगे ये वाला टी के बाद, यानी हम लोग कहाँ तक आ गए थे, इस टी तक आ गए थे, तो अब इन दो टी के बीच में देखेंगे तो दो टी के बीच में फिर से फॉस्फोवर्ड आना चाहिए। तो बेस फॉस्फेट से नॉर्मल फॉस्फेट में जाने में फिर फॉस्फोवर्ड आएगा तो कौन सा आ जाएगा, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज आ जाएगा, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, इतना याद हो गया। उसके बाद कौन सा आएगा, यानी कि इस टी से इस पी में जाना है तो इन दोनों के बीच में आएगा फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज, ऐसे करके याद हो जाएगा। और लास्ट में इनोवर्ड था तो यहाँ पर आ जाएगा इन दोनों के बीच में इनोलेज और बन जाएगा पाइरुविक एसिड। ये सारी स्टेप्स हमें याद होनी चाहिए। तो फिर से फाइनली एक लास्ट रिविजन देख लेते हैं। ग्लूकोज टू ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट इज मेड बाय हेक्सोकाइनेज, ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट से फ्रक्टोज सिक्स फॉस्फेट इज मेड बाय फॉस्फो ग्लूको आइसोमरेज, फिर फ्रक्टोज सिक्स फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बाय फॉस्फेट बनता है फॉस्फो फ्रक्टोकाइनेज के थ्रू, फ्रक्टो 1,6 बाय फॉस्फेट से ट्रायोज फॉस्फेट बनता है एल्टोलेज के थ्रू। उसके बाद इस तरफ जाते जाएंगे टी को याद रखेंगे तो टी कैसे आ जाएगा, ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज। उसके बाद ट्रायोज फॉस्फेट से ट्रायोज बिस फॉस्फेट बनाने के लिए G3P का ही यूज कर लेंगे तो याद आ जाएगा ग्लिसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट आइसोमरेज। फिर उसके बाद यहाँ पर G3P से इस ट्रायोज बिस फॉस्फेट को बनाने की बात कंप्लीट होगी। उसके बाद आगे हो जाएगा ग्लिसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट सॉरी फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, ये वाली स्टेप में आ गए अब हम लोग। तो यहाँ आपसे इस पी से पी में तो यहाँ आ जाएगा फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, उसके बाद यहाँ आ जाएगा इस पी से पी के बीच में फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज, उसके बाद इन दो पी के बीच में आ जाएगा इनोलेज और यहाँ लास्ट में आ जाएगा पाइरुवेट काइनेज। तो अब बुक की हम लोग देखेंगे अगर साइकिल तो अब हमको सब समझ में आने लगेगा। ये ग्लाइकोजन दिखाई दे रहा है, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज 1 फॉस्फेट तो बनना तो आप पहले से जानते थे तो उसको आप याद रखेंगे। जैसे कि अभी तक जो मैं ग्लाइकोलिसिस से पहले जितने भी पॉइंट्स बता रही थी कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का वही इसमें यूज करना है। तो ग्लाइकोजन से जब ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बनता है तो उसमें फॉस्फोराइलेज यूज होता है। अब उसके बाद अगर ग्लूकोज 1 फॉस्फेट से अगर डायरेक्टली आपको ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाना है तो उसके अंदर जो एंजाइम यूज होता है वो होता है फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज, क्योंकि ग्लूकोज 1 फॉस्फेट का एक दूसरा यहाँ पर रूप ले रहे हैं आप, 1 फॉस्फेट की जगह बस 6 फॉस्फेट बना रहे हो। जब भी एक रूप से दूसरा रूप बनाना हो किसी भी का तो आप वहां पर कहीं ना कहीं म्यूटेज वर्ड यूज कर लेते हैं, तो फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज इन दोनों के बीच में। लेकिन अब हमारी मेन जो साइकिल है वो कहां से शुरू होती है, यहां से शुरू होती है। तो अब इसको समझना है, यहां से साइकिल होती है ग्लूकोज से और खत्म का होती है पाइरुवेट पे। लैक्टेट ज्यादा दिखाई दे रहा है तो उस पर अभी हम बात करेंगे बाद में। साइकिल शुरू यहां से हो रही है और खत्म यहां पर हो रही है, तो आई होप विजिबल होगा। हाँ है विजिबल। तो अब देखिए ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का बनना, शुरुआत में कौन सा एंजाइम यूज करते हैं, काइनेज यूज कर सकते हैं, करते ही है मतलब, तो वो भी कौन सा वाला, 6 को देख के हेक्सो और काइनेज का काइनेज। तो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हेक्सो काइनेज बनाता है और यहाँ पर ATP आ जाता है। उसके बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनता है, और जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की बात करें और उससे अगर फ्रक्टोज बन जाता है तो ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं। तो आप क्या याद रखोगे, तो फॉस्फो का फॉस्फो ले लेना है, फॉस्फो ग्लूको का ग्लूको उतार लेना है, फॉस्फो ग्लूको और आइसोमरेज बना देना है। तो फॉस्फो ग्लूको आइसोमरेज इस तरह से हमारे पास आता है। ATP का यूज यहाँ होता है और एक थर्ड स्टेप पे होता है वो याद था। तो देखिए ATP यहाँ पर लिखी दिखाई दे रही है। तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से अब बन रहा है फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, कहीं कहीं बायफॉस्फेट दिखाई देगा कहीं पर डाई, तो दोनों ही सही होते हैं। तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से नेक्स्ट स्टेप में बनता है फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। ये जो स्टेप होती है इसके लिए कौन सा एंजाइम होता है, तो फॉस्फो का फॉस्फो ले लिया, फ्रक्टो का फ्रक्टो ले लिया और एक काइनेस एड कर दिया, तो फॉस्फो फ्रक्टो काइनेस इनके बीच में आ जाता है। उसके बाद यहाँ पर ATP का रिलीज होता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ATP दिखाई देगा। फिर उसके बाद ये आगे की रिएक्शन देखते हैं, आगे की रिएक्शन में क्या हो रहा है, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट से मैंने बताया था उस तरफ एक एल्डोलेज का रोल प्ले आने वाला है, तो एल्डोलेज के लिए स्टेप आ जाती है यहाँ पर। तो उसके लिए क्या दिखाया गया है, 3 फॉस्फोग्लिसरल डिहाइड, यानी कि वो जो G3P था ये ग्लिसरल डिहाइड फॉस्फो 3 वो ही G3P है, ये G3P। तो फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट से बनता है 3 फॉस्फोग्लिसरल डिहाइड, लेकिन साइड में धप नाम का हमने पढ़ा था तो वो धप यहाँ इसके साथ स्ट्रेट लाइन में बुक में दिखा देते हैं जिस वजह से हमें हमेशा कंफ्यूजन होता है। तो वो DHAP क्या होता है, डायहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट होता है। तो ये DHAP हमारा दिखाई दे गया, आप मेरी साइकिल याद रखेंगे उससे आपको ज्यादा अच्छे से याद होगा, बुक में बस मैं इसलिए ताकि बुक का भी आपको एक्सप्लेनेशन हो जाए इसलिए समझा रही हूँ।
उसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद जैसे मैंने शुरू में बताया था DHAP का तो कोई रोल प्ले ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस में होता नहीं है, सिर्फ इस G3P का होता है, तो आगे इसके आगे बढ़ जाएंगे हम। और यहाँ पर एल्डोलेस एंजाइम यूज हुआ था, यानी जब हम फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट से G3P में जाते हैं तो एल्डोलेस यूज करना है, इतना समझ में आ गया। उसके बाद अगर कोई पूछे कि G3P से DHAP में जाना है तो क्या यूज करोगे, तो वहां पर हो जाएगा ट्रायोस आइसोमरेज, क्योंकि वो एक दोनों, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, आइसोमर्स है, तो ट्रायोस आइसोमरेज इनके बीच में यूज हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होती है G3P से 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट का बनना, और ये वाली जो स्टेप होती है यानी G3P से 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट का बनना, इसमें डिहाइड्रोजनेज एंजाइम लिख सकते हो आप, बाकी हमने और भी पढ़ा था फॉस्फो से पढ़ा था, लेकिन अगर मान लीजिए याद नहीं आता तो आप ये भी यूज कर सकते हो। उसके बाद क्या हो रहा है, 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट से बन रहा है यहाँ पर 3-फॉस्फोग्लिसरेट, तो इसके बीच में कौन यूज होता है, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज यूज होता है। उसके बाद 3-फॉस्फोग्लिसरेट से 2-फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज बनता है। उसके बाद 2-फॉस्फोग्लिसरेट से इनोल फॉस्फोपाइरुवेट बनता है, तो इनोल की जगह इनोलेज वर्ड आ जाएगा। और अच्छा, बुक की लैंग्वेज में अगर कुछ एंजाइम जैसे लग रहे हैं या कुछ नाम आपको लग रहा है कि तो डिफरेंट जा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही सही साइकिल्स हैं। अगर किसी बुक में अगर अलग दिखाई दे रहा है या सेम भी दिखाई दे रहा है तो वो सब एक ही चीज होती है, तो आप उसको याद रखेंगे। उसके बाद आगे बात करते हैं, ये बन गया, इसके बाद यहाँ पाइरुवेट बन गया, और पाइरुवेट में लास्ट स्टेप में कौन सा काइनेज आता है, पाइरुवेट काइनेज होता है, यानी यही पाइरुविक एसिड है, इस पाइरुवेट को पाइरुविक एसिड भी लिख सकते हैं, शुरू में हमने बात की थी, और बाकी सब जैसे जैसे जमे हुए वो भी दिखाई दे रहे होंगे। उसके बाद पाइरुवेट से यानी पाइरुविक एसिड से अगर लैक्टिक एसिड बन जाता है तो उसमें जो एंजाइम लगता है वो होता है लैक्टिक डिहाइड्रोजनेज। तो इस तरह से हमारी पूरी ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। तो ग्लाइकोलिसिस में आज हमने ये सारी चीजें देखी, ये एक एनारोबिक स्टेज होती है, हमने जब ग्लाइकोजन को देखा था तो जो ग्लाइकोजन होता है वो मसल में ब्रेक डाउन होता है ग्लाइकोजन का, और वो क्या बनाता है, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बनाता है, और फिर इसी तरह से वो कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर। तो एक नंबर ऑफ एंजाइमेटिकली कैटलाइज स्टेप्स इसमें दिखाई देती है, जिसमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो रहता है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, उसके बाद वो 6 कार्बन मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होता है 3 कार्बन कंपाउंड वाले में, फिर उसमें कोई ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, और जो फाइनल एंड प्रोडक्ट रहता है इस पूरी ग्लाइकोलिसिस का वो पाइरुविक एसिड आप कह सकते हो, लेकिन पाइरुविक एसिड के बाद भी अगर कोई लास्ट स्टेप पे आता है तो वो रहता है लैक्टिक एसिड। तो जब हमारी बॉडी में प्रॉपर वे में ऑक्सीजन नहीं हो और कोई इंसान को ऑक्सीजन इतनी मिल नहीं रही है लेकिन फिर भी वो रेस्पिरेशन कर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में बॉडी जब रेस्पिरेशन करती है तो वो ग्लाइकोलिसिस के थ्रू करती है, यानी बिना ऑक्सीजन के रेस्पिरेशन कर लिया, और ऐसी सिचुएशन में लास्ट स्टेप में जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो लैक्टिक एसिड होता है। तो इसी वजह से जब हम लोग विग्रस एक्सरसाइज कर देते हैं, जब हम रोज नहीं करते लेकिन हमने एक ही दिन में सारी एक्सरसाइजेस कर दी, तो उसके बाद वो जो लैक्टिक एसिड का प्रोडक्ट वहां फॉर्म होता है, क्योंकि वहां ऑक्सीजन के यूसेज के बगैर हमने एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरी करने की कोशिश की, तो इसलिए लास्ट में लैक्टिक एसिड बनता है और इसकी वजह से मसल क्रैम्प्स होते हैं, जिसको हम हाथ पैरों के दर्द के अंदर काउंट करते हैं, तो वो चीज इसी को कहते हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा आई होप, कि लास्ट जो फाइनल एंड प्रोडक्ट होता है वो लैक्टिक एसिड होता है, ग्लाइकोलिसिस मसल्स के अंदर होता है, टिश्यूज के अंदर होता है, प्राइमरीली साइटोप्लाज्म जो होता है सेल का वहां पर होता है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए, साइटोप्लाज्म में तो हो ही रहा है लेकिन साथ में मसल्स में भी होता है और टिश्यूज में भी होता है। सो ग्लाइकोलिसिस अकर्स इन मसल्स एंड अदर टिश्यूज प्राइमरीली इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, और इसमें सारी ही प्रोसेस, यहां मैंने सिंगल एरो भले ही दिखाया लेकिन असल में जितनी भी प्रोसेस होती है वो सारी रिवर्सिबल होती है, तो ये पॉसिबल होता है कि ये इस ग्लूकोज से जब हम नीचे की स्टेप्स में जा रहे हैं इसके बदले उल्टा भी हो सकता है कि वो ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन कर ले लैक्टिक एसिड से, यानी अभी तक क्या हुआ कि हमने इस ग्लूकोज से ले जाके फाइनली लैक्टिक एसिड बनवाया था, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो लैक्टिक एसिड से ग्लाइकोजन भी बना सकते हैं, तो ये एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस हो जाएगा। और टेबल तो आपने अच्छे से देख ली, जो सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन उसमें होती है वो भी आपको समझ में आ गई है। तो ये एक स्कीम थी जिसमें हमने कुछ एंजाइम्स कुछ कोफैक्टर्स को समझते हुए ग्लाइकोलिसिस को कंप्लीट करा, और ये भी आपको आपके माइंड में रखना है कि जो NAD और NADP होते हैं ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स होते हैं, ठीक है, NAD और NADP ये एक दूसरे के सिनोनिम्स है, ये इक्वल ही है, ये भी याद रखना, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार बना देती हूँ, ये आप NADP बोल दो या NAD बोल दो एक ही बात होती है, और वो सिनोनिम्स किसके साथ यूज होते हैं, विद DPN एंड TPN, किसके साथ, DPN के साथ और TPN के साथ।
ये बात आपको क्लियर हो गई होगी. सो इट शुड बी केप्ट इन माइंड दैट एनएडी एंड एनएडीपी आर सिनोनिम्स विद डीपीएन एंड टीपीएन. और फॉर्मरली इनको कोएंजाइम वन और टू कहा जाता था, लेकिन हमारी स्कीम में हमने एनएडी और एनएडीपी का नाम यूज करते हुए पढ़ाई की है. कुछ कुछ टीचर्स आपको एनएडी की जगह डीपीएन पढ़ाएंगे और एनएडीपी की जगह टीपीएन पढ़ाएंगे. तो ये सब एक ही बात होती है, एनएडी को ये समझना है और इसको ये समझना है. ये बात यहाँ क्लियर हो गई होगी. मैं यहाँ पर ये शायद मैंने कह दिया, अगर गड़बड़ हुई है तो आप उसको क्लियर रखेंगे. इसको मैं इक्वल नहीं कह रही हूँ, बल्कि मैं इनको सिनोनिम्स बता रही हूँ इसके साथ, ठीक है. उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो एनएडी एनएडीपी होते हैं वो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म रिप्रेजेंट करते हैं एनएडीएच और एनएडीपीएच के. तो एनएडीएच का ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म एनएडी होता है और एनएडीपीएच का पीएच का ऑक्सीडाइज फॉर्म एनएडीपी होता है, ये आपको याद रखना है. और एनएडीएच और एनएडीपीएच जो है, एनएडीएच और एनएडीपीएच वो है रिड्यूस्ड फॉर्म, तो ये भी पता होना चाहिए. लास्ट स्टेप जो होती है ग्लाइकोलिसिस की, उसमें कन्वर्जन होता है पाइरूवेट से लैक्टेट का. और ये जो रिएक्शन होती है इसमें जो कैटेलाइज करता है वो लैक्टिक डिहाइड्रोजनेस होता है, उसको भी एनएडीएच की जरूरत पड़ती है. बिना एनएडीएच के वो लैक्टिक डिहाइड्रोजनेस में उसको कन्वर्ट नहीं कर सकता, जो कि सिक्स्थ रिएक्शन ऑफ द सीक्वेंस में से हमें मिलता है. जो भी सिक्स यहाँ पर स्टेप होती है, सिक्स स्टेप में से ही हमें ये एनएडीएच मिलता है. तो ये जो पूरी एंटायर सीरीज होती है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन रहता है जिसमें कोई ऑक्सीजन यूज नहीं होती, और इसी रीजन से हम कहते हैं ये जो सीक्वेंस है वो एनएरोबिक है. तो लास्ट में अगर मुझे लगता है वैसे तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो मैंने जो जो पॉइंट्स कहे, एक तो मैंने कहा एनएडी और एनएडीएच जो है, ठीक है, एनएडी और एनएडीएच, एक सेकेंड फिर गड़बड़ हो गई ना, मैंने यहाँ पर पी लिखना था एनएडीपी, और ये है एनएडीएच और एनएडीपीएच, ठीक है. ये वाले जो पॉइंट्स होते हैं तो इसमें ये वाले जो है इधर वाले, ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म होते हैं, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, और ये जो दो होते हैं ये रिड्यूस्ड फॉर्म होते हैं, रिड्यूस्ड फॉर्म. एक ये पॉइंट याद रखना, स्टार बना देती हूँ. फिर उसके बाद पहले एनएडी को टीपीएन माना जाता की जगह डीपीएन वर्ड यूज होता था, तो इसका सिनोनिम होता है डीपीएन, और एनएडीपी का जो सिनोनिम होता है वो होता है टीपीएन, ये भी याद रखना. उसके बाद यहाँ पर अगर आप बात करोगे लास्ट स्टेप में, लास्ट स्टेप इसमें नहीं दिखाई दे रही, अभी जो बुक में शो किया था उससे याद रखना, जो पाइरूवेट होता है या पाइरूविक एसिड उससे बनता है लैक्टिक एसिड. तो इसके बीच में जो एंजाइम रहता है वो कौन सा होता है, लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज होता है, ये याद रखना. लेकिन लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज के साथ साथ यहाँ पर एक चीज की रिक्वायरमेंट और होती है जिसको कहते हैं एनएडीएच. तो क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो एनएडीएच है उसको मिलता कहाँ से, ये जो एनएडीएच है ये इसको रिड्यूस फॉर्म वाला फॉर्मेट आता कहाँ से, उसको मिलता कहाँ से. तो जो ट्रांसफॉर्मेशन की रिएक्शन हुई होती है और उसमें से जो सिक्स्थ रिएक्शन थी, सिक्स्थ रिएक्शन, वहां से ये एनएडीएच यहाँ पर आ जाता है, इतना याद रखना है. तो इस तरह से पूरा आपका जो ग्लाइकोलिसिस का साइकिल था वो कंप्लीट हो जाता है. तो अब लास्ट में जाते जाते एक चीज और, लैक्टिक एसिड साइकिल क्या होती है, कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ जाता है. तो अगर बॉडी के अंदर लैक्टेट या लैक्टिक एसिड बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो जाता है मसल्स में, तो ऐसा माना जाता है कि वो जो एक्स्ट्रा लैक्टिक एसिड जो बॉडी में बन गया है वो ब्लड में एंटर कर जाता है. तो ऐसी सिचुएशन में होता क्या है, जो ग्लूकोज होता है और कोई और भी अगर ग्लाइकोजन फॉर्मिंग कंपाउंड्स है तो उनकी बात करें तो वो लिवर ग्लाइकोजन के अंदर यहाँ एंटर होते हुए दिखाई दे रहे हैं. यहां से देखना स्टार्ट करें आप, तो लैक्टिक एसिड है इधर, लैक्टिक एसिड लिवर ग्लाइकोजन की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, फिर वो ब्लड ग्लूकोज एंटर कर रहा है, मसल ग्लाइकोजन बना रहा है, फिर लैक्टिक एसिड बना रहा है. और कभी कभी ये जो लैक्टिक एसिड है वो या तो यूरिन में एक्सक्रीट आउट हो जाता है या फिर वो कभी कभी ऑक्सीडाइज हो जाता है. तो इसी को कहते हैं लैक्टिक एसिड साइकिल. तो ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर जाता है अगर वो एक्स्ट्रा लैक्टिक एसिड वहां बन गया है, और फिर उसके बाद वो जो एक्स्ट्रा लैक्टिक एसिड होता है उसको दूसरे सेल्स के पास ले जाया जाता है, जहां पर वो दूसरे सेल्स उसको यूटिलाइज भी कर लेते हैं, लिवर तक भी ले जाया जाता है, लिवर के अंदर उसको फिर से ग्लाइकोजन बना दिया जाता है. तो देखिए एक्स्ट्रा लैक्टिक एसिड को लिवर क्या करता है, लिवर में वो ग्लाइकोजन में फिर से बना देता है. तो एक्स्ट्रा लैक्टिक एसिड फिर से किसमें बदल रहा है, ग्लाइकोजन में बदल रहा है, इतना याद रखना है. और वो कौन कर रहा है, लिवर भी कर देता है ये काम. तो यही चीज है कि दिस लैक्टिक एसिड इज नॉट, कहां गया हम, यहां पर थे. सो सेल्स वेयर इट इज यूटिलाइज और टू लिवर वेयर इट इज कन्वर्टेड बैक इनटू द ग्लाइकोजन, दिस इज लैक्टिक एसिड साइकिल. लैक्टिक एसिड जो रहता है इज नॉट कन्वर्टेड इनटू मसल ग्लाइकोजन, लेकिन लैक्टिक एसिड को मसल ग्लाइकोजन में नहीं बदला जा सकता. टू सप्लाई द एनर्जी फॉर द कन्वर्जन इनटू ग्लाइकोजन, वन मॉलिक्यूल आउट ऑफ एवरी फाइव मॉलिक्यूल्स ऑफ लैक्टिक एसिड मस्ट बी कैटाबोलाइज एरोबिकली. अगर हमें एनर्जी सप्लाई प्रॉपर रखना है फॉर दी कन्वर्जन इनटू ग्लाइकोजन, अगर हमें लैक्टिक एसिड को ग्लाइकोजन में बदलना है, तो एक मॉलिक्यूल, पांच मॉलिक्यूल जो लैक्टिक एसिड के होंगे उसमें से एक मॉलिक्यूल लैक्टिक एसिड का ऐसा होगा जिसको आपको कैटाबोलाइज करना पड़ेगा एरोबिकली, यानी तोड़ना पड़ेगा, वो भी कैसे, एरोबिकली यानी ऑक्सीजन की मदद से.
तो यहाँ इस तरह से लैक्टिक एसिड साइकिल भी लास्ट में कंप्लीट हो जाती है। एक इफेक्ट होता है जिसको कहते हैं पास्चर इफेक्ट। तो जब ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस हो रही होती है तो उसमें चार मॉलिक्यूल जो एटीपी के होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, और वो भी एटीपी के मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस कैसे होते हैं, एडीपी से होते हैं। तो एडीपी जो रहता है वो क्या बनाता है, एटीपी बनाता है। चार एटीपी बनते हैं, उसमें से सिर्फ एक स्मॉल परसेंटेज ही अवेलेबल एनर्जी का रहता है जो कि एटीपी के फॉर्म में बाकी रह पाता है और प्रोड्यूस हो पाता है, बाकी जो रहते हैं वो इनएफिशिएंट होते हैं। तो ये हमारे लिए एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बन जाता है कि जो ग्लाइकोलिसिस होता है वो ज्यादा अच्छे से जब ही काम कर पाएगा जब एनारोबिक कंडीशन मिलेगी। जब उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तभी वो ग्लाइकोलिसिस आसानी से हो पाएगा, वरना ग्लाइकोलिसिस में प्रॉब्लम आने लगती है। और ये जो प्रेजेंस होती है ऑक्सीजन की, अगर वो हो जाए ग्लाइकोलिसिस के दौरान, ग्लाइकोलिसिस को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं, फिर भी अगर ऑक्सीजन उस ग्लाइकोलिसिस के टाइम पर आ जाती है तो उस वजह से रीसिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन होने लगता है, यानी फिर से ग्लाइकोजन बनने लग जाता है। हमें बनाना पाइरूविक एसिड है लेकिन उल्टा वाला प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और ग्लूकोज के भी बदले ग्लाइकोजन बनने लगता है अगर ऑक्सीजन बीच में आ जाएगी। तो इसको कहते हैं पास्चर इफेक्ट। सो लास्ट में मैंने आपको यहाँ पर एक पास्चर इफेक्ट बता दिया है। पास्चर इफेक्ट में आप लिख सकते हो चाहो तो, जो ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस होती है ग्लाइकोलिसिस के टाइम पर क्या होता है, चार मॉलिक्यूल्स जो रहते हैं, चार मॉलिक्यूल्स एटीपी के, उनका फॉर्मेशन होता है, और वो भी कैसे होता है, एडीपी से। एडीपी क्या बनाता है, चार मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी बनाता है, और ये एक बहुत स्मॉल परसेंटेज है अवेलेबल एनर्जी का इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और इसमें से बहुत कुछ तो एटीपी, चार मॉलिक्यूल्स में से भी बहुत सारे एटीपी कैसे होते हैं, वो इनइफिशियंट होते हैं। तो ये इसमें से बहुत कम इफिशियंट हो गए। दूसरी बात क्या होती है, जब ग्लाइकोलिसिस का टाइम आता है, ग्लाइकोलिसिस को चाहिए नो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, लेकिन फिर भी अगर ऐसी कंडीशन आ जाए, मैं इसका पेन चेंज करूंगी सबसे पहले, तो अगर ऐसी कंडीशन आ जाए इफ ऑक्सीजन अवेलेबल तो क्या होगा, अगर ऑक्सीजन मिल जाएगी तो ऐसी सिचुएशन क्या होगी, तो वो ग्लाइकोलिसिस इनहिबिट होने लगेगी। और उसके बाद क्या होगा, रीसिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन, उल्टी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, और इसी को कहते हैं पास्चर इफेक्ट। तो आप लिखेंगे, हम स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं, ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस ओनली फोर मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एटीपी, दैट इज ओनली अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ द अवेलेबल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी इज प्रोड्यूस्ड, मेकिंग द प्रोसेस समवॉट इनएफिशिएंट। उसके बाद आगे लिखना, इट इज अगेन ऑफ इंटरेस्ट दैट द ग्लाइकोलिसिस प्रोसीड मोर रैपिडली अंडर एनारोबिक कंडीशंस, द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इनहिबिट्स ग्लाइकोलिसिस एंड प्रमोट्स द रीसिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन, दिस हैज बीन कॉल्ड पास्चर इफेक्ट। सो थैंक यू सो मच, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हैप्पी लर्निंग।